उपभोक्ता विवाद निपटारा फोरम ने क्रिकेट जगत के हस्ती कपिल देव और अभिनेता गोविंदा पर एक बड़ा इल्जाम लगाया है। बता दें कि ये क्लब को प्रचार प्रसार के लिए अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने के लिए जुर्माना लगाया गया है इन पर। फोरम की ओर से 20 अक्टूबर को पारित आदेश में कपिल देव, गोविंदा और रवि किशन को 18 शिकायतकर्ताओं को 15,000 रुपये देने को कहा गया है। कुल मिलाकर तीनों स्टार्स को लगभग 8,00,000 रुपये जुर्माने के तौर पर भरने होंगे। इसमें कहा गया है कि फोरम ने तीनों को अनुचित तरीके से व्यापार करने का जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि सनी स्टार क्लब के प्रमोटरों ने एक स्कीम में निवेश करने के लिए उनके वीडियो और फोटो का इस्तेमाल किया था। इस स्कीम में लोगों को देश भर के चुनिंदा होटल में हर महीने 3 दिन तक मुफ्त में ठहराने की बात कही गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सनस्टार प्रमोटर रमन कपूर, उनकी पत्नी सीमा, कपिल देव, गोविंदा और रवि किशन पर साल 2017 में बड़ोदरा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में 18 लोगों ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि यह घोटाला 2016 में किया गया था। एक शिकायतकर्ता ने कहा था कि स्टार्स ने मेंबरशिप के लिए 1 से 3 लाख रुपये लिए थे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।